पे इसका हमें मान निकालना है, 6 का 3 नंबर है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3, देखते हैं क्या होता है। अगर इसको इसको और इसको जोड़े तो ये से कट जाएगा, बी से बी, सी से सी, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, जोड़ने पे 0 0 आ जाएगा। बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ है सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो यदि किसी सारणी का एक रो या कॉलम के सभी अवयव 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है? 0। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कि यदि किसी सारणी का एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, 0 हो, तो सारणिक का मान शून्य होता है, 0 होता है। इसीलिए इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला।